नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। काजरा मामले में बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी काजरा मामले को लेकर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत दी है। विरोध प्रदर्शन और पथराव करने को लेकर यह शिकायत दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये शिकायत की गई है। बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को यह शिकायती पत्र भेजा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी काजरा मामले को लेकर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायती पत्र भेजा है। कंगना के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया था। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। काजरा मामले में बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत दी है। विरोध प्रदर्शन और पथराव करने को लेकर यह शिकायत दी गई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीते दिनों कंगना के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से नारे लगाए गए थे, जिसके बाद से बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायती पत्र भेजा है। कंगना के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। काजरा मामले में बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत दी है। विरोध प्रदर्शन और पथराव करने को लेकर यह शिकायत दी गई है। इलेक्शन अथॉरिटीज से जो काजरा में है, पुलिस या सिविलियन अथॉरिटी से परमिशन बाकायदा ली गई थी, लेकिन वहां के जो अथॉरिटीज हैं, वो एसडीएम होगा, एडीएम होगा या पुलिस की अथॉरिटीज होंगी, उन्होंने साइमल्टेनियसली कांग्रेस को भी वहीं पर उसी वेन्यू के साथ जो है वो सभा करने की परमिशन दे दी, और एक ही टाइम पर जो है वो परमिशन दे दी, जो कि जानबूझ करके गवर्नमेंट, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की है, इसलिए उन अधिकारियों ने उस प्रेशर में आकर के जो है वो परमिशन दी होगी, जो हम एज्यूम करते हैं। जब वो सभा जो है वो उसमें जनसभा जिसकी परमिशन ली गई थी बीजेपी की, कांग्रेस के लोगों ने उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की, उसमें जो है वो मीटिंग ठीक से होने नहीं दी। फिर जब वहां से चले, काके चला ठाकुर जयराम जी का और बाकी लोगों का, उसके ऊपर पथराव किया, मारपीट की, जिसमें एक हमारे कार्यकर्ता जो है वो जख्मी हो गए हैं, उनको उनका फ्रैक्चर हो गया है, और दो तीन अन्य कार्यकर्ताओं को जो है वो चोटें आई हैं। गालियां तो जो है उसका कोई आप हिसाब नहीं लगा सकते, जो अगर वहां का वीडियो आप देखेंगे तो कोई सुन नहीं सकेगा उनको सामने, और वो जानबूझ करके जो है उन्होंने इस प्रकार की जो है वो हरकत जो है वो कांग्रेस ने की है, क्योंकि वो बौखला गए हैं, चुनाव में बुरी तरह से हार रहे हैं, चार की चार संसदीय क्षेत्रों में भी और छह के छह विधानसभा क्षेत्रों में भी, इसलिए इस प्रकार की हरकतें करने की नाकामयाब जो है कोशिशें कर रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का बीते कल लाहौल स्पीति के काजा का दौरा रहा, जहां कंगना रनौत को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रोष का सामना करना पड़ा। इस दौरान लाहौल स्पीति विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी रवि ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रवि ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने और उनका काफिला रोकने का भी आरोप लगाया है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के सिलसिले में हम यहाँ काजा में आए थे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा की प्रत्याशी कंगना रनौत जी भी, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के लाहौल स्पीति के प्रत्याशी रवि ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। और मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है, ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुआ कि जहाँ हम रैली करने वाला, जहां हमारा प्रोग्राम था जिसकी वाकायदा परमिशन ली गई थी, उसके समानांतर परमिशन वहां पर कांग्रेस के लोगों को दी और उनने हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, हमारा कारकेट वापसी में आते हुए रोका और वहां पर पथराव किया, और इस प्रकार से पथराव करने के साथ साथ में जो नारे लगाए बेहुदा और बेशर्म, जो इस प्रकार की हरकतें जो करी उनने, मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की रैली थी और उसी समय कांग्रेस पार्टी के भी परमिशन दे के प्रशासन से एक रैली कराई गई और उन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और एक व्यक्ति को हमारे चोट भी पहुंची है, उपद्रव मचाया गया है यहाँ, तो मैं इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से करूंगा।
आज हम चुनाव प्रचार की दृष्टि से लाहौल स्पीति के काजा में गए थे और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे जो प्रत्याशी है कंगना रनौत जी वो भी साथ में थी और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ उपचुनाव के जो हमारे कैंडिडेट रवि ठाकुर जी भी साथ में थे। और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने आज जिस प्रकार से हमारे काफिले पर जानलेवा हमला किया है और गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया, पथराव किया, इन सारी चीज़ों के लिए अगर जिम्मेवार है तो जिला प्रशासन है और जिला प्रशासन ने जो कुछ भी किया वो सारी परमिशन वगैरह जो अलाउ की हमारी जहां सभा पहले से तय थी उसके साथ में उनको कार्यक्रम के लिए वहां पर जगह दी और उसकी वजह ये है कि प्रदेश सरकार द्वारा उनको दबाव में सारी चीज़ करने के लिए विवश किया गया और मैं सारी चीज़ की निंदा करता हूँ जो हमला किया गया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दोषी के खिलाफ। इस मामले में FIR दर्ज करने की दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है और उसके साथ इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत करेंगे और इससे साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में है, वो हार रही है देश में भी और प्रदेश में भी और मैं निश्चित रूप से इस सारी घटना के लिए दोषी ठहराता हूँ तो कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को। करेंगे अगली खबर की ओर। मंदी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने देव समाज का हवाला देते हुए कहा कि आज कंगना जिन जिन मंदिरों में जा रही हैं उन मंदिरों की साफ सफाई करवाना जरूरी है। ये बात कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने देव नीति और देव संस्कृति का हवाला देते हुए द्रंग विधानसभा के टकोली में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। हम सनातनी है, हम हिंदू हैं, हम देव समाज को मानने वाले हैं और हम अपनी निष्ठा, अपनी सोच जो विकास कार्यों के प्रति है जितनी मजबूत है उतनी ही मजबूत हमारी देव नीति के प्रति भी है। और वैसे भी जिस तरीके की बातें आजकल सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही हम तो उसमें कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहते, मगर आज प्रदेश के अंदर मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है। और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है, ये चीजें हम नहीं कह रहे। आज ये देव नीति के लोग इस बात को कह रहे हैं कि देव संस्कृति के ऊपर जो ये प्रहार किया जा रहा है, आज जो हमारे देव नीति के विपरीत जो चीजें आज निकल कर आ रही है, जो आज व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, हर चीजों में लोग जिस चीज को देख रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। इन चीजों का हमें विरोध भी करना है और भविष्य में ऐसी चीजें ना निकल कर आए इसके ऊपर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पौंडा का दौरा किया जहां ग्राम पंचायत पौंडा के प्रधान अमिताभ नेगी और कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं समेत पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने उन सभी लोगों का उनके स्वागत करने पर आभार प्रकट किया है। इस दौरान किन्नौर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उमेश नेगी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य के चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कुलदेवता बद्री विशाल के दर्शन कर ग्रामीणों से मुलाकात की और जनसभा को संबोधित किया। खेल मैदान के लिए मांगा, कोई मंदिर के लिए मांगा, कोई और कार्य के लिए मांगा, कोई महिला मंडल के लिए मांगा, कोई सराय के लिए मांगा, उसमें मैंने कभी भी कमी नहीं रखी, कभी भी कमी नहीं रखी। जितना मैं किन्नौर को दे सकती थी उतना मैंने पाई पाई अपनी सांसद निधि से वो पैसा देकर लोगों की मांग को पूरा किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अगले जो ये पहली तारीख है उस दिन आप लोगों ने अपनी वोट डालने जरूर जाना। ऐसा नहीं करना कि हमारे परिवार से दो चले गए तो दो घर में रह गए। एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारी बढ़त तभी होगी जब हम एक एक वोट डालेंगे। तो इसलिए जितनी भी आपकी रिश्तेदारी है, माताओं बहनों से भी मुझे अपील करनी है कि जो आपके प्योके में, ससुराल में, बेटी के घर में, बहू के घर में जो रिश्तेदारी है, सभी से आपने निवेदन करना कि आप लोग उस दिन जाए वोट डालें और एक एक वोट से ही हमारी आंख से बढ़त होगी। जब रिजल्ट आता है तो वो चार्ट लिस्ट देखी जाती है।
कि कहां से सबसे ज्यादा बढ़त आई, और जहां से सबसे ज्यादा बढ़त होगी जो टॉप पे होगा उसको प्रायोरिटी दी जाती। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर का दौरा किया, जहां नुक्कड़ जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिलासपुर की जनता का उनको काफी समर्थन मिल रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की नीतियों से तंग आकर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैं देश की जनता से इतना ही आग्रह करूंगा, भारी मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान दें और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी सरकार चुने और देश को स्थिरता निरंतरता ये बनी रहे। मैं तो यही कहूंगा। और वो माफिया करार दिया उनको? देखिए, जब कोई सरकार एक ही साल में फेल हो जाए, ना जनता में पास हो पाए ना अपने विधायकों में पास हो पाए, तो ठीकरा फोड़ने का नया नया तरीका ढूंढने लगती है। मुकदमा उन पर किया है, उसका जवाब उनको देना चाहिए और सबूत भी मांगे हैं। अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो जरूर बताएं। सच्चाई ये है कि जनता मांगती है 1500 रुपया प्रति महीना, जो वायदा किया था बहनों से 300 यूनिट मुफ्त बिजली की, 5 लाख सरकारी नौकरियां, 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदने का, कहां गया वो वादा? बरसर उपचुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष टटवालिया ने अपना चुनाव प्रचार जोरों से शुरू कर दिया है। बरसर विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष टटवालिया ने नुक्कड़ सभाएं की और अपने पक्ष में मत डालने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व विधायक मंजीत डोगरा, युवा कांग्रेस नेता रूबल ठाकुर भी मौजूद रहे। नुक्कड़ सभा के दौरान सुभाष टटवालिया ने बरसर के हित के लिए इस बार सही प्रत्याशी का चुनाव करने की बात कही है। डटवालिया ने कहा कि 21 और 26 मई को मुख्यमंत्री सुक्खू का बरसर दौरा रहेगा, जिसमें वे चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जहां भी मैं गया, जितने भी मैंने मीटिंगें की, चाहे नुक्कड़ सभा की, डोर टू डोर किया, तो जनता का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। मेन मुद्दा विकास का है और बिकाऊ पब्लिक टिकाऊ कैंडिडेट जो भाजपा का प्रत्याशी है वो कांग्रेस का भगोड़ा है, कांग्रेस को छूट कर गया है, कांग्रेस को धोखा देकर गया है, ये मेन मुद्दा है लोगों में। और उसने बिना किसी वजह से बरसर की जनता के ऊपर बोझ डाला है और जनता उसको सबक सिखाएगी और उसको यहाँ से घर वापसी कराएगी, उसकी घर वापसी। ये तो झूठ बोल रहे हैं, दो बहाना बोल रहे हैं। उन्होंने पत्नी किस लाल चुनाकर ऐसा कदम उठाया जिससे हमारी बस की जनता है उसका अपमान किया है उसने। तो करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीते दिन बद्दी के एक दिवसीय दौरे पर रहे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में सीपीएस रामकुमार चौधरी ने पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी के पिता पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद सीपीएस रामकुमार और पूर्व विधायक परमजीत पम्मी आमने सामने हैं। मेरे क्षेत्र में लगभग 5-6 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको मैंने 2017 में शुरू किया। मैं कल पूर्व विधायक की वीडियो देख रहा था, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि केवल एक गाड़ी थी उनके पिताजी के पास, 1609 मेरे को नंबर भी याद है, और बद्दी से लेके रोटी डालगढ़ तक कई बार हफ्ते में 2-2 बार पड़ जाती थी। गाड़ी के लिए टायर नहीं जुड़ते थे, हमारी पुरानी गाड़ियों के टायर उतरे हुए डालते थे। आज वो बात करते हैं और सच तो बोले छाली बोले। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि चौधरी परिवार का कारोबार जो है पिछले 50 वर्षों से है और दूर का बच्चा जो है हमें जानता है, हमारा पूरा परिवार, हमारे परिवार के 20 सदस्य आप लोगों की सेवा में हर समय जो है तत्पर रहते हैं। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम का चुनावी प्रचार तेज हो चुका है।
सीएम सुक्खू का आज बड़सर दौरा प्रस्तावित है, ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू अपने प्रचार को गति देते नजर आ रहे, कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष ढटवालिया के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। प्रत्याशी सतपाल रायजादा के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करते सीएम सुक्खू नजर आएंगे, ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री चकमो, भिजड़ी, महारल और ढंगोटा में जनसभाएं करते नजर आएंगे, सीएम का चुनावी प्रचार प्रसार तेज होता नजर आ रहा है। आपको बता दें सीएम सुक्खू आज बड़सर के दौरे पर रहेंगे, सीएम सुक्खू का बड़सर दौरा प्रस्तावित है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़सर दौरा प्रस्तावित है, ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नुक्कड़ सभाओं में हिस्सा लेते अनुराग ठाकुर नजर आएंगे, ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल के पक्ष में वोट की अपील करते अनुराग ठाकुर नजर आएंगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बड़सर दौरे को लेकर ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने। नुक्कड़ सभाओं में हिस्सा लेते केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नजर आएंगे, बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़सर दौरा प्रस्तावित है, ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।